मुंबई धमाल टीम का कैप्टन रोहित अपनी टीम के दो खिलाड़ियों के साथ स्टेडियम के ऑफिस में बैठा हुआ था। कल हमारा फाइनल मैच है और इस विराज को भी आज ही चोट लगनी थी। अब अपनी जगह किसी अश्विनी नाम के प्लेयर को टेस्टिंग के लिए भेज रहा है। सर आप फिक्र मत कीजिए, हम दोनों मैच अच्छे से संभाल लेंगे। उसके होते हुए तो आप हमारा टैलेंट देख ही नहीं पाते थे। कल के मैच में आपको पता चल जाएगा। सर माय नेम इज अश्विनी, विराज सर टॉक टू यू अबाउट मी। मुझे तो लगा था कि विराज अपनी जगह किसी अच्छे प्लेयर को भेजेगा। तुम तो एक लड़की। सर आप एक बार मुझ पर भरोसा करके देखिए, मेरा सपना है कि मैं आईपीएल मैच खेलूं और अपनी टीम को जिताकर नाम कमाऊं। तुम्हें विराज ने भेजा है तो कुछ सोच समझ कर ही भेजा होगा। रोहित ने कुछ टीम के खिलाड़ियों के साथ अश्विनी का टेस्ट लिया। अश्विनी लड़की होने के बावजूद भी बहुत अच्छा खेल रही थी और ये देख सभी हैरान रह गए। रोहित भी बहुत खुश हुआ और उसने अश्विनी को विराज की जगह मैच में खिलाने का फैसला कर लिया। अगले दिन मैच शुरू हुआ। चेन्नई सुपरस्टार्स टीम ने 275 रन बना लिए थे। अब मुंबई धमाल बैटिंग के लिए मैदान में उतरी। टीम के दो प्लेयर्स ने मिलकर अभी 30 रन बना लिए थे। अब नेक्स्ट विकेट पर तुम खेलने जाने वाली हो। यस सर, मैं सर अब बाथरूम होकर आती हूँ, कहीं मैच के टाइम प्रॉब्लम ना हो जाए। श्योर। ये कहकर अश्विनी वहाँ से चली गई। ईशांत ने राघव को इशारा दिया और दोनों अश्विनी के पीछे पीछे हो लिए। जैसे ही अश्विनी बाथरूम से बाहर निकली, राघव ने उससे टकराकर उसकी ड्रेस पर ड्रिंक गिरा दी। अरे ये तुमने क्या किया, मेरा टर्न आने वाला है। अरे माफ करना, गलती हो गई। लेकिन तुम टेंशन मत लो, यहाँ एक स्टोर रूम है, वहाँ तुम्हें दूसरी पैंट मिल जाएगी। वो दोनों उसको एक कमरे की तरफ ले गए। जैसे ही वो कमरे में गई, दोनों उसके पीछे पीछे अंदर घुस गए। अरे तुम लोग कहाँ जा रहे हो। हम कब से इस मौके की तलाश में थे कि हम दोनों मिलकर टीमों को जिताए और अपना नाम रोशन करें। आज वो मौका मिला है तो तुम हमसे वो छीनना चाहती हो, वो भी एक लड़की होकर। तुम दोनों पागल हो गए हो क्या। ईशांत उसका गला पकड़ लेता है। राघव बैट उठाकर उस लड़की के सर पर मार देता है। जब तक ये होश में आएगी, हम दोनों इसकी जगह खेलकर अपनी टीम को मैच जिता चुके होंगे। राघव ने अश्विनी का मोबाइल लिया और फिर दोनों बाहर से कुंडी लगाकर वहाँ से चले गए। सर हम दोनों बाथरूम की तरफ से आ रहे हैं, अश्विनी वहाँ नहीं है, वो इस टाइम कहाँ जा सकती है। रोहित ने अश्विनी को कॉल लगाया तो उसका मोबाइल स्विच्ड ऑफ आ रहा था। तभी उनका एक प्लेयर भी आउट हो गया। उसका टर्न आ गया है, लेकिन वो है कहाँ पर। सर अब फिक्र मत कीजिए, मैं हूँ ना, मैं उसकी जगह खेलने जाता हूँ। ठीक है ईशांत, पहले तुम जाओ। ईशांत खेलने के लिए चला गया, लेकिन वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं खेल पा रहा था। उसने दोनों ओवर में सिर्फ 7 रन बनाए। अब अगला विकेट गिरते ही मैं खेलने जाऊंगा और अपने टैलेंट के जरिए छा जाऊंगा। तभी रोहित के मोबाइल पर अश्विनी का कॉल आया। अरे अश्विनी कहाँ थी तुम, पता है तुम्हारी जगह ईशांत को भेजना पड़ा। ये देखकर राघव हैरान रह गया। अश्विनी को तो हम बेहोश करके कमरे में बंद करके आए हैं और उसका मोबाइल भी हमारे पास है, फिर उसकी कॉल कैसे आ सकती है। सर मेरे पेट में अचानक बहुत दर्द होने लगा था, आप फिक्र मत कीजिए, मैं बस 10 मिनट में आती हूँ। ठीक है जल्दी आओ, मैं अभी जाकर देखता हूँ सर कि मसला असल में है क्या। राघव फिर से स्टोर रूम की तरफ चला गया। कुंडी अभी भी बाहर से लगी हुई थी, उसने कुंडी खोली और अंदर कदम रखा। वहाँ जमीन पर बहता खून और अश्विनी की लाश देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। हम तो सिर्फ बेहोश करना चाहते थे, ये तो मर चुकी है। ओह माय गॉड, ये हमने क्या कर दिया। अगर ये मर चुकी है तो फिर सर को कॉल किसने किया था। तभी अचानक से कमरे की सारी लाइट्स रंग बदल कर खून के जैसी लाल हो गई। उसके ठीक पीछे अश्विनी की आत्मा खड़ी थी, उसके पैर हवा में उठे हुए थे, पूरा शरीर नीला पड़ा हुआ था। कमीने,
राघव ने जैसे ही पीछे पलट कर देखा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वो चिल्लाता हुआ जैसे ही दरवाजे की तरफ बढ़ा, अश्विनी ने उसकी गर्दन पकड़ ली। आज बनेगा तू मैन ऑफ द मैच। अश्विनी ने अपनी लाश के पास से बैट उठाया और राघव के सीने पर हमला किया। हमला इतना तेज था कि बैट उसकी पसलियों को चीरता हुआ सीने में घुस गया। राघव के मुंह से खून की मोटी धार निकली और उसने दम तोड़ दिया। उस तरफ अब ईशांत के साथ खेल रहा विजय भी आउट हो चुका था। ईशांत को इंतजार था कि अब राघव आने वाला है, लेकिन जब उसने रोहित के पास खड़ी अश्विनी को देखा तो वो हैरान रह गया। ये बाहर कैसे आई और ये राघव कहाँ चला गया? रोहित ने अश्विनी को खेलने के लिए भेज दिया। ऑडियंस भी सोच रही थी कि एक लड़की क्या क्रिकेट खेलेगी, लेकिन जब अश्विनी ने खेलना शुरू किया तो गेम का पासा ही पलट गया। कभी चौका तो कभी छक्का, ऑडियंस अब हैरान हो गई थी और उसके साथ खेल रहा ईशांत जला जा रहा था। कुछ 30 रन बनाने के बाद वो भी आउट हो गया। उसकी जलन का कोई ठिकाना नहीं था। उसके बाद 4 प्लेयर्स और गए, लेकिन अश्विनी लास्ट तक खेलती रही। अब उनको 5 रन बनाने थे और बॉल्स भी अभी 3 बची हुई थी। सामने वाली टीम के बॉलर ने बॉल डाली और अश्विनी ने उस पर छक्का लगा दिया। ये देखकर पब्लिक अपनी सीटों से खड़ी हो गई। सभी तालियां बजाने लगे। रोहित की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। राघव का अभी तक कुछ अता पता नहीं था। ट्रॉफी लेने के बाद टीम वापस अपने स्टेडियम पहुंची, लेकिन स्टेडियम पहुंचते ही अश्विनी भी रहस्यमयी तरीके से गायब हो गई। उसका मोबाइल भी बंद आने लगा। रोहित ने अश्विनी और राघव की मिसिंग रिपोर्ट पुलिस स्टेशन में लिखवा दी। अगर वो अश्विनी ना होती तो मैं ही मैच को जिताने वाला था। ये राघव भी ना जाने कहां दफा हो गया। तभी उसके पास रोहित का कॉल आया। क्या हुआ सर, क्या राघव का कुछ पता चला? राघव और अश्विनी की लाश स्टेडियम के स्टोर रूम में बरामद हुई है। समझ नहीं आ रहा कि ये हुआ कैसे। तभी अचानक से उसके कमरे में एकदम अंधेरा हो गया। किसी ने उसका गला दबाया और वो बेहोश हो गया। जब उसको होश आया तो उसकी हैरानी का कोई ठिकाना नहीं था। वो खेल के मैदान में था। वो पिच पर खड़ा हुआ था। उसके पास ही उसका बैट जमीन पर पड़ा था। अश्विनी की भयानक आत्मा हाथ में बॉल लिए उसके सामने वाली पिच पर खड़ी थी। तुझे बहुत शौक था ना मैन ऑफ द मैच बनने का, अब अपना ख्वाब पूरा कर ले क्योंकि आज तेरी जिंदगी की आखिरी रात है। बचाओ, बचाओ! ये कहकर वो वहाँ से भागने लगा। अश्विनी उड़ती हुई गई और उसने शांत के पेट में स्टंप गाड़ दिया। मैंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा, मैंने तुम्हें मारने की कोशिश नहीं की थी। मैंने तो अपना सपना मरने के बाद भी पूरा कर लिया, लेकिन अफसोस तू जिंदा रहते भी नहीं कर पाएगा। उसने देर ना करते हुए वही स्टंप निकालकर ईशांत के हलक के अंदर घुसेड़ दिया। उसके मुंह से खून की धार निकली। तीनों खिलाड़ियों की मौत की वजह आज तक कोई जान नहीं पाया, लेकिन अश्विनी ने एक लड़की होकर जिस तरह से अपने पहले मैच में ही अपनी टीम को जिताया था, उसके इस कारनामे से उसका नाम हमेशा हमेशा के लिए क्रिकेट की दुनिया में अमर रहेगा। इस साल IPL में दिल्ली डेयरिंग्स टीम की परफॉर्मेंस बिल्कुल भी अच्छी नहीं चल रही थी। टीम के ओनर मिस्टर रमेश मल्होत्रा इस बात से बहुत नाराज थे। टीम के कैप्टन रोहित वर्मा को उन्होंने अपने होटल के कमरे में बुलाया। तभी उसने रूम से विशेष टीम के वाइस कैप्टन को निकलते हुए देखा। अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ऐसे ही बस, किसी और से मिलने आया था। विशेष तुरंत ही चला जाता है और रोहित रमेश के कमरे में आता है। रोहित, मैं इस बात से बहुत परेशान हूँ कि इस साल हमारी टीम बिल्कुल भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है। रमेश साहब, मैं आपसे कितनी बार कह चुका हूँ कि टीम में बदलाव होना चाहिए, लेकिन आप सुनते ही नहीं हो। विशेष एक अच्छा प्लेयर नहीं है,
हमें उसे बाहर करना होगा। समझ गया मैं। रोहित गुस्से में रमेश के पास आता है। तुमने मेरे साथ धोखा किया है। तुम विशेष को कैप्टन बनाना चाहते हो और मुझे टीम से निकालना चाहते हो। मुझे नहीं पता था कि तुम पैसों के लिए इतना गिर जाओगे। मैं ये बात सबको बता दूंगा। रोहित गुस्से में जाता है और रमेश घबराकर एक फोन करता है। अगले दिन रमेश अपनी टीम के साथ बैठा होता है। मुझे बड़े ही दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि हमारे कैप्टन रोहित वर्मा का देहांत हो गया है और आज से आप लोगों का कैप्टन है विशेष यादव। सभी लोग हैरान हो जाते हैं। टीम की परफॉर्मेंस में अभी भी कोई सुधार नहीं आता है। रमेश अपने कमरे में परेशान घूम रहा होता है, तभी एक साया खिड़की से उसे देख रहा होता है। विशेष, तुम एक घंटे में मुझे मेरे कमरे में मिलो पूरी टीम के साथ। उसके कमरे की लाइट्स अचानक से टिमटिमाने लगती है। रमेश डर से इधर उधर देखता है। वो कमरे से रिसेप्शन पर फोन करने के लिए फोन उठाता है, लेकिन उसके फोन का तार कट चुका होता है। ये क्या हो रहा है? वो कमरे से बाहर जाने के लिए दरवाजा खोलता है, लेकिन उससे दरवाजा नहीं खुल रहा। अचानक से उसे आवाज आती है। कहाँ बचकर भागेगा मुझसे? रमेश डरते हुए पीछे मुड़ता है और देखता है कि रोहित की आत्मा उसके सामने खड़ी है। उसके सर पे खून बहने के निशान है। उसके चेहरे पर छोटे छोटे शीशे के गड़े हुए टुकड़े हैं और उसकी आंखें एकदम गुस्से से लाल हैं। रोहित, तुम बच गए? हाँ मैं। तुझे क्या लगा कि मैं मर गया और किसी को ये मालूम नहीं चल पाएगा? रमेश भागने की कोशिश करता है, तभी टेलीफोन का टूटा तार उसके गले में लिपट जाता है और वो गिर पड़ता है। क्या चाहिए तुम्हें? मैंने तुम्हें नहीं मारा है। वो तेरे ही आदमी थे जिन्होंने मुझे मारा है। नहीं, मैंने तो बस विशेष के कहने पर ये सब किया। जब तुम मुझे धमकी देकर गए तो मैंने विशेष को फोन किया और उसने मुझसे कहा कि उसकी चिंता तुम मत करो, मैं उसे देख लूंगा। बस तुम अपना वादा याद रखना। और फिर विशेष ने ही गुंडे भिजवा कर तुम्हें मार डाला और हमने तुम्हारी मौत को एक कार एक्सीडेंट बना दिया। रोहित को ये सुनकर गुस्सा आ जाता है। सारे कमरे में अंधेरा हो जाता है और खिड़की के कांच टूट जाते हैं। रमेश की तार में गर्दन से दम घुटने पर मौत हो जाती है। क्या हुआ रमेश सर? ठीक है, परफॉर्मेंस की बात तो कल भी हो सकती थी, रात में मीटिंग क्यों बुलाई? लगता है और पैसे देने पड़ेंगे आपको। कैसे हो मेरे प्यारे दोस्त विशेष? विशेष ये सुनते ही डर जाता है। कमरे का लैंप बार बार बंद हो रहा होता है और उसकी बॉडी ऊपर की तरफ उठने लगती है। बचाओ मुझे, छोड़ दो मुझे, बचाओ मुझे। कैसे छोड़ूं तुझे? तूने तो अपने दोस्त को नहीं छोड़ा। विशेष के सामने रोहित की आत्मा खड़ी है। ये देखकर उसके होश ही उड़ जाते हैं। रोहित अपनी आंखों से विशेष को दीवार की तरफ फेंकता है। रोहित, जाने दो मुझे प्लीज। मैं कैप्टन बनना चाहता था और जब तुम्हें सिलेक्ट किया तो मैं जल गया। फिर तुम मुझे अपनी टीम से भी निकलने को कहने लगे, इसलिए मैंने तुम्हें मार डाला। रोहित की आंखें और लाल हो जाती हैं। वो विशेष को गर्दन से उठाता है और उसका गला दबाने लगता है। विशेष का दम घुटने लगता है। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, सुन लिया तुम सबने? इसने मुझे मारा है। विशेष अपना गला पकड़ता है। उसका चेहरा धीरे धीरे पीला पड़ रहा होता है। रोहित विशेष को रूम की बालकनी से गिरा देता है। विशेष की मौत हो जाती है। रोशन अपने दोस्त नितिन के घर छुट्टियां बिताने गया था। नितिन और उसका बड़ा भाई विनोद एक बिल्डिंग की 10वीं मंजिल पर रहते थे। तेरा घर तो बड़ा अच्छा है नितिन, कितनी अच्छी हवा। थैंक्स यार, हम एक महीने पहले ही शिफ्ट हुए हैं। मस्त है। और यार, ये तो टेरेस वाला फ्लैट है ना? हाँ, इसके ऊपर टेरेस ही है। वाव, फिर तो मजा आएगा, वहां जाकर पतंग उड़ाएंगे। मुझे पतंग उड़ाने का बड़ा शौक है। नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? क्या तुम लोगों ने सुना नहीं है,
वहाँ वो घूमती रहती है। कौन विनोद भैया? वो चुड़ैल। हंसो हंसो, जितना चाहे हंसो, पर ये सच्ची कहानी है। बहुत साल पहले यहाँ किसी एक घर में विद्या नाम की एक लड़की रहती थी। उसे पतंग उड़ाने का शौक था। एक शाम जब वो टेरेस पर अकेले पतंग उड़ा रही थी, तभी किसी ने उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। जब विद्या चिल्लाने लगी, तब उस आदमी ने उसे टेरेस से नीचे फेंक दिया। तब से वो चुड़ैल बनकर टेरेस पर घूमती रहती है और जो भी मर्द वहाँ जाए उसका खून कर देती है। कहानी तो अच्छी डरावनी है विनोद भैया, पर यकीन कौन करेगा? हाँ वही तो, चुड़ैल इस जमाने में। मत करो यकीन, मेरा क्या जाता है। और ये दरवाजा तो लॉक है। हाँ वो लॉक ही रहता है। वॉचमैन से चाबी लेनी पड़ेगी। चल चलते हैं उसके पास। वॉचमैन भैया, हमें बी विंग के टेरेस की चाबी मिल सकती है? बी विंग का टेरेस? वो क्यों? मेरा दोस्त रहने आया है, उसे पतंग उड़ानी है, बस एक घंटे में वापस कर देंगे। पर मैं नहीं दे सकता। वो चाबी वहां लटकी है, मैं इसको बातों में उलझाता हूँ, तू चुपके से चाबी निकाल ले। हाँ ये ठीक है। भैया वॉचमैन, आप यहाँ कब से काम कर रहे हो? अब क्या बताऊं भैया, इस सितंबर में पूरा 7 साल। हाँ ठीक है ठीक है, बाद में बात करते हैं, मम्मी बुला रही है। तो चल भाई, खोल दे टेरेस का दरवाजा। अरे वाह, पूरा शहर दिखता है यहां से तो। चल पतंग उड़ाते हैं। तेरी पतंग तो बहुत ऊंची जा रही है रोशन। रुक, तेरा पीछा करता हूं मैं अभी। चल चैलेंज। ले, वो गई मेरी पतंग तेरी वाली के ऊपर। अरे ये तीसरा कौन है? कितनी अजीब पतंग है ये। मेरी पतंग तो कट गई और मेरी वाली भी। कौन है ये? लगता है इसी टेरिस से कोई है। तुम कौन हो? चली जाओ यहाँ से। डरो मत लड़कू, हम तो बस पतंग उड़ा रहे हैं। पर तुम यहाँ आई कैसे? मैं तो यहीं पर थी। तुम कब से खड़ी हो यहाँ? अब क्या बताऊँ, एक अरसा हो गया। अब तो तुम चाहती क्या हो? मुझे तो बस पतंग उड़ानी है। रोशन, टेरेस का दरवाजा खुला है, चुपचाप खिसक लेते हैं यहाँ से। हाँ हाँ नितिन। जा रहे हो? मत जाओ, मेरे पतंग उड़ाने का खेल नहीं देखोगे। कोई आ रहा है। अब मजा आएगा, आने दो उसे। तुम आदमी नहीं शैतान हो।
तुम डर गए? अरे यही तो था वो जिसने इसी टेरेस पर मुझे परेशान करके मेरी लाश नीचे फेंक दी थी, पर मैंने भी उसे छोड़ा नहीं। कुछ दिन बाद जब वो वापस यहाँ आया, इसी तरह मैंने उसका सर काट कर बदला ले लिया। विद्या, विद्या, तुम हमें जाने दो, हमने तो कुछ नहीं किया है। नहीं, अब तक नहीं किया, पर तुम लोगों का क्या भरोसा? अरे रोशन भाग, ये तो हमें मारने की कोशिश कर रही है। आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, ये टेरेस मेरा है, यहाँ कोई नहीं आएगा। आज तो मैं सबक सिखा कर रहूंगी। तुम्हारा वही हाल होगा जो तुम जैसे किसी मर्द ने मेरा किया था। नहीं विद्या, हमने क्या किया है, हमें छोड़ दो। हाँ हाँ विद्या, हमें जाने दो, मेरी तो अब तक कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है। तुम लोग, तुम हैवान। यहाँ हो तुम दोनों? तुम लोगों को कहा था ना मैंने टेरेस पर नहीं आना है? जी साहब, ये दोनों मेरी केबिन से चाबी चुरा कर भागे हैं। इन दोनों को तो मैं देख लूंगा, तुम फिक्र मत करो वॉचमैन। भैया अच्छा हुआ आप आ गए, हाँ आपने हमें बचा लिया। अब चलो घर पर, यहाँ रहना ठीक नहीं है। और तुम दोनों इतना कांप क्यों रहे हो? अच्छा हुआ कि विनोद भैया ठीक वक्त पर आ गए और उन्होंने हमें बचा लिया। पर क्या वो सच में चुड़ैल थी? और क्या तुम भी तो थे वहीं पर? पर फिर भी यकीन नहीं होता यार, ऐसे कैसे? वो कुछ भी हो, पर आज से मैं उस टेरेस की तरफ देखूंगा भी नहीं। हाँ शायद वही ठीक है। हाँ हाँ सब चले गए, सब चले गए। अब ये टेरेस मेरा है और यहाँ कोई आया तो रात के 8 बज रहे थे। सुनील अपने ऑटो से रोजाना की तरह घर की तरफ जा रहा था। रुको रुको, मुझे सवारी की जरूरत है। तभी अचानक से एक आदमी ऑटो के सामने आ गया और ना चाहते हुए भी सुनील ने ब्रेक लगा दिए। प्लीज प्लीज मुझे थोड़ा आगे तक लिफ्ट दे दीजिए, बहुत देर से ऑटो का इंतजार कर रहा हूँ। हाँ लेकिन इस टाइम आपको यहाँ कोई सवारी नहीं मिलेगी, मैं भी घर को ही जा रहा हूँ। कोई बात नहीं, आप जहाँ तक जा रहे हैं वहां तक मुझे छोड़ दीजिए। ठीक है लेकिन उसके 500 रुपए लूंगा। कोई बात नहीं, शुक्रिया। ये कहकर वो आदमी ऑटो में बैठ गया। तभी उसका मोबाइल बजा और उसने कॉल उठाया। हाँ पुरोहित जी, अरे आप बेफिक्र रहिए, आपका सामान मेरे पास है, बस आप ये बता दीजिए कि मुझे इसको कहाँ डिलीवर करना है।
सुनील उसकी बात को कान लगाकर सुन रहा था। अच्छा, नीले रंग के माइलस्टोन के पास एक आदमी काले कपड़ों में खड़ा मिलेगा। ठीक है, समझ गया। वैसे तुम अभी कहाँ हो? मैं ऑटो से आ रहा हूँ। बेवकूफ, लाखों का मामला है और तुम ऑटो में बैठकर डिस्कस कर रहे हो। अरे आप तो बेवजह डर रहे हैं। कॉल काटो और आगे कोई बात मत करो। तभी कॉल कट हो गई। लाखों की बात सुनकर सुनील के कान खड़े हो चुके थे। आधे घंटे के सफर के बाद एक जगह नीले रंग का माइलस्टोन नजर आया, जिसको देखकर वो आदमी बोला, बस 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 बस, मुझे यहीं उतार दो। सुनील ने ब्रेक लगा दिए। वो आदमी ऑटो से उतरा और उस बैग को भी हाथ में उठाया, फिर सुनील को 500 रुपए दिए। अब तुम जा सकते हो। ये सुनकर सुनील ने ऑटो आगे बढ़ा दिया, फिर कुछ दूरी पर जाकर वो रुका। यार, लाखों का मामला है, एक बार चलकर देख लेता हूँ मैटर क्या है, हो सकता है मुझे भी कुछ मिल जाए। वो ऑटो से उतरा और दबे पांव उस तरफ गया। उसने छिप कर देखा कि वो आदमी एक दूसरे आदमी से बात कर रहा है, जो कि दिखने में कोई तांत्रिक लग रहा था। फिर वो दोनों एक तरफ जाने लगे। सुनील भी दबे पांव उनका पीछा करने लगा। तांत्रिक उसको जंगल से होते हुए एक जगह ले गया। वहां एक अघोरी पेड़ के नीचे बैठा कोई विधि कर रहा था। उसके सामने एक बड़ी सी मूर्ति रखी हुई थी। सुनील पेड़ के पीछे छिपकर खड़ा हो गया। बैठ जाओ और इस बैग को सामने रख दो। उसकी बात सुनकर वो जमीन पर बैठ गया। जैसे ही अघोरी ने बैग खोला, सड़ी सी बदबू आई। फिर उस बैग में हाथ डालकर उसमें से सामान निकालना शुरू किया, और उस सामान को देखकर उस आदमी और पेड़ के पीछे छिपे सुनील की आंखें फटी की फटी रह गईं। उस बैग के अंदर किसी की लाश के टुकड़े रखे हुए थे। अघोरी ने एक एक करके उसके हाथ, उसके पैर और फिर उसकी गर्दन निकाली। तब पता चला कि वो लाश किसी औरत की थी। इसके सर को उठाओ और उस मूर्ति के हाथों में रख दो। वो आदमी डरते डरते खड़ा हुआ और हिम्मत करके उसने गर्दन उठाई, फिर उसको उस मूर्ति के हाथ में रख दिया। मुझे मेरे पैसे दे दीजिए, आगे का काम आप खुद कर लेना। ये सुनकर उन दोनों को गुस्सा आ गया और अघोरी बोला, तुझे जिसने भेजा है क्या उसने बताया नहीं था कि जब तक मैं ना कहूं तू बीच में विधि छोड़कर नहीं जा सकता? मुझे आगे नहीं करना, आप बस मुझे पैसे दे दीजिए, मैं चलता हूं। उसकी बात सुनकर अघोरी और तांत्रिक ने एक दूसरे की तरफ देखा और जोर जोर से हंसने लगे। ये विधि तो तेरी बलि देने के बाद ही पूरी होगी, लालची इंसान। सुनकर उस आदमी और सुनील दोनों के पैरों तले जमीन निकल गई। तांत्रिक ने उस आदमी के हाथों को उसके कमर के पीछे बांध दिया और पैरों में भी रस्सी डाल दी। उसके बाद फिर दोनों बैठकर मंत्र पढ़ने लगे। कुछ देर बाद एक बहुत ही भयानक चुड़ैल भड़कीले कपड़े पहने हुए उनके सामने प्रकट हुई। मैं तुम दोनों की भक्ति से बहुत खुश हूँ, विधि पूरी करो। जो इस विधि की आखिरी रस्म पूरी करेगा, मैं हमेशा उसी के साथ रहूंगी और उसकी हर ख्वाहिश पूरी करूंगी। करता हूँ निशाचरी, मैं अपने इन हाथों से इस आदमी की बलि दूंगा और फिर तुम हमेशा के लिए मेरी हो जाओगी। इतना कहकर वो उस आदमी की तरफ बढ़ ही रहा था कि तांत्रिक ने चाकू उठाया और अघोरी की गर्दन उड़ा दी। सारी मेहनत मुझसे करवा कर अकेला ये वरदान प्राप्त करना चाहता था, अब मैं इसकी बलि दूंगा और तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी। सही कहा तूने, ऐसा ही होगा। ये सुनकर अब तक पेड़ के पीछे छिपा सुनील जल्दी से सामने आया। उसने तांत्रिक को सोचने समझने का मौका नहीं दिया
और तेजी से जमीन से चाकू उठाकर उसके सीने में मार दिया। तांत्रिक अधमरा होकर जमीन पर गिर गया। मेरे दोस्त, जल्दी जल्दी से मुझे बचाओ। वो आदमी अब ये देखकर खुश हो चुका था कि अब सुनील आ चुका है, उसकी जान बच सकती है। लेकिन अगले ही पल सुनील के चेहरे पर रहस्यमय मुस्कान देखकर वो और ज्यादा डर गया। अरे अब तुम मेरे साथ रहोगी और मेरी हर ख्वाहिश पूरी करोगी, क्योंकि अब ये बलि मैं दूंगा। ऐसा कहकर सुनील ने एक मिनट भी नहीं सोचा और उस आदमी की गर्दन उड़ा दी। आज से मैं तेरी हूँ और तू मेरा है। मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगी और तेरी हर ख्वाहिश पूरी करूंगी। सुनकर सुनील खुश हुआ और जोर जोर से हंसने लगा। थोड़ी देर बाद जब सुनील घर पहुंचा तो वो बहुत खुश था। निशाचरी उसके साथ थी लेकिन उसकी बीवी को नजर नहीं आ रही थी। अरे आज तो आप बहुत खुश हो, क्या आज आपका काम अच्छे से हो गया? अरे आज के बाद काम करने की कोई जरूरत नहीं पड़ने वाली, आज से हमारी हर ख्वाहिश पूरी होगी। खुश होते हुए सुनील ने अपनी बीवी को गले लगा लिया। लेकिन तभी निशाचरी गुस्सा हो गई और उसके साथ उसकी बीवी को भी नजर आने लगी। उसने सुनील को एक तरफ धक्का दे दिया और उसकी बीवी का गला पकड़ लिया। उसका भयानक चेहरा देखकर सुनील की बीवी की चीख निकल गई। निशाचरी ने देर ना करते हुए अपना खूनी पंजा उसके पेट में मारा और वो वहीं खत्म हो गई। अरे अरे ये तुमने क्या किया? तुमने मेरी पत्नी को क्यों मारा? मैं आज से तुम्हारी और तुम मेरे हो। मैं तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करूंगी, लेकिन तुम मेरे अलावा किसी और स्त्री से रिश्ता नहीं रख सकते। ये सुनकर सुनील के पैरों तले जमीन निकल गई। लेकिन अब पछताने से कोई फायदा नहीं था। उसे खुद को अपनी बीवी के मौत के गम से बाहर निकालने में 2 दिन लग गए। उसके बाद वो नॉर्मल हो गया। मुझे बहुत सारा धन चाहिए, इतना कि एक बंगला खरीद लूं और एक कार, और अलग से बैंक बैलेंस भी बना लूं। ऐसा ही होगा, कहकर वो वहां से गायब हो गई। गांव का सरपंच अपने कमरे में बैठा हुक्का गुड़गुड़ा रहा था। तभी निशाचरी उसके सामने आई और उसे देखकर उसकी सांसें थम गईं। अरे कौन हो तुम? तेरी मौत, कहकर उसने अपना खूनी पंजा उसके पेट के अंदर मारा और वो वहीं खत्म हो गया। उसके बाद देखते ही देखते सरपंच की तिजोरी से सारा धन गायब हो गया। अगले ही पल निशाचरी सुनील के घर के अंदर थी और जमीन पर वो सारा धन रखा हुआ था जो कि सरपंच के घर से उसने लूटा था। उसको देखकर सुनील की आंखें चौंधिया रही थी। मैं सबसे अमीर हो गया, सबसे अमीर। वो अब काफी अमीर हो चुका था। लेकिन वो कहते हैं ना कि ऐसा पैसा किस काम का जो हमें हमारे घर वालों से ही दूर कर दे। कुछ दिन उसको ये जिंदगी बहुत अच्छी लगी, लेकिन बाद में उसका मन हुआ कि उसकी शादी हो, बच्चे हो, लेकिन वो जिस भी स्त्री के करीब जाता निशाचरी उस स्त्री को मार देती। आखिरकार उसने इस जीवन को ही अपना लिया और फिर निशाचरी के साथ ही रहने लगा। निशाचरी हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। क्या आप भी चाहते हैं कि मैं आपके पास आऊं और हमेशा आपके साथ रहूं? तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। हो सकता है कि अगला नंबर आपका हो।